हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शिवगंज के क्षेत्र जहां पालड़ी थाना क्षेत्र के वाक्सिन के स्थित राजकीय विद्यालय में कार्यरत संस्था प्रधान शैल सिंह पर एक कार और बाइक सवार 5 से 6 युवकों ने हमला कर दिया। शिक्षक के चिल्लाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और 2 युवकों को धर दबोचा, जिनमें से एक युवक अपने आप को सादड़ी चेयरमैन का पुत्र कमलेश बता रहा है। ऐसे में परिवादी की शिकायत पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पारिवारिक जमीनी विवाद का मामला सामने आया है। लोहे के पाइप के साथ हमला करने आए थे। बाइक व एक्टिवा को सीज किया गया है। 4 में से 3 को गिरफ्तार किया गया है, 1 फरार है। पुलिस प्रशासन पहुंची मौके पर। यह रहे शामिल हेड कांस्टेबल डूंगर सिंह व प्रेम सिंह शिषपाल रहे। जागरूक टीवी के पोसारिया से कल्पना माली की रिपोर्ट।